उन्होंने कहा मरना पसंद करेंगे लेकिन अंग्रेजों के सामने झुकना पसंद नहीं करेंगे। शहीद राजा शंकर सा, अमर शहीद कुंवर रघुनाथ सा, इस बलिदान दिवस के अवसर पर मैं उनके सिर चरणों में परसवाड़ा विधानसभा की जनता की ओर से उनके सिर चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। माफी मांग लो हम माफ कर देंगे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा मरना पसंद करेंगे लेकिन अंग्रेजों के सामने झुकना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे आप ऐसे समाज के लोग, पिछले बार मैं आपके बीच में आया था, इसलिए आया था कि आपके समाज कैसे समरसता को आगे कैसे बढ़ाए। आपके हमारे सामाजिक बंधु, हमारे डोंगरिया गांव के समाज के लोगों ने हमारा स्वागत किया था, अभिवादन किया था और इस कार्यक्रम में हमको यहां पर बुलाया था। कहा था कि भैया आने वाले समय में इस परिसर में एक मूर्ति लग जाए तो रानी दुर्गावती को भी हमारे कपूर भैया ने याद किया ना। क्यों रानी दुर्गावती हम याद करते हैं ना, भगवान बिरसा मुंडे को हम याद करते हैं ना, आज रघुनाथ शाह शंकर शाह जी को याद कर रहे हैं ना। क्यों याद कर रहे हैं? ये वो हमारे समाज के लोग हैं जिन्होंने 1857 में उस समय के सदी में जब लोगों के पास सोचने का, जब लोगों की विपरीत परिस्थिति थी, तब हमारे समाज के लोगों ने इस देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान किसी ने दिया तो हमारे आदिवासी समाज के लोगों ने दिया। इसलिए आप उस समाज के ताकतवर समाज के लोगों, वो शक्तिशाली समाज के लोग हो जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपने आप को सामने दिया, अपने आप के जान की आहुति देने वाला समाज है। नियम में नहीं बैठता था, इस बात को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई कि जो नाम छूट गए होंगे 2011 में, जो नाम छूट गए होंगे आवास प्लस में, जो नाम छूट गए होंगे हमारे सर्वे में, वो सारे के सारे लोग 17 तारीख को, कल देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, उस जन्मदिन से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना प्रारंभ किया है और फार्म भरना चालू हो गया है। आप जाइए ग्राम पंचायत में फार्म भरिए, आप ग्राम पंचायत में जो जो चीजें की आवश्यकता है, जैसे आप लाडली बहना के लिए फार्म भरे थे, आप वैसे ही फार्म भरिए और अपना नाम जुड़ाने का काम करिए। मैं जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूँ, आप सबसे भी यहाँ के जागरूक लोगों से कहना चाहता हूँ, जब हम आपके गाँव में आके जब आप आवेदन हमको देते हैं, अभी मौका अच्छा है, आपको हमको आवेदन नहीं, आप ग्राम पंचायत के वहाँ पंचायत में जाइए, आवेदन भरिए और अपने गांव के लोगों को लाभ दिलाने का काम करिए।